श्रद्धा कह रही थी मोदी मोदी जी, तो मैंने श्रद्धा को कहा कि मोदी जी को तो मैंने कब से बुक कर चुकी हूं, मैं जहां जाती हूं मोदी जी कहती हूं, बट अभी इस साल तो मैं अभी फिलहाल रेड्डी जी को ही बुक करूंगी। मैं चाहूंगी कि रेड्डी जी बिल्कुल मेरे जब मैं परफॉर्म करूं और मुझे देखें तो मेरा सौभाग्य होगा और मेरा जो नया साल होगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा। मुझे तो रेड्डी जी में ही मोदी जी और हाँ वही राहुल जी सब कुछ मुझे इसी में नजर आते हैं। और बात रही कृष्णा की, तो कृष्णा मैं तो आपकी मीरा हूँ आपकी राधा के साथ। मुझे नहीं लगता कि दुबई में कोई दंगा होगा, बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं पहले कंट्री क्लब के साथ परफॉर्म कर चुकी हूँ सूरत में। आप यकीन मानिए कम से कम नहीं तो इतना क्राउड मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। जहां मेरी नजरें जाती है वहां तक इंसान मतलब कंट्री क्लब के मेंबर्स खड़े हैं और मतलब एकदम यू नो जब मैं परफॉर्म करती हूँ और जो जिस टाइप के कपड़े पहनती हूँ एकदम हॉट एंड सेक्सी यू नो, तो वो उसमें ना 31st को लोग एकदम झूम जाते हैं और होना ही चाहिए ताकि यू नो हम सब परफॉर्म लड़कियां करती है तो नया साल जब आता है उससे पहले यू नो हम लोग धमाका करते हैं और फिर दो परफॉर्मेंस थ्री परफॉर्मेंस मतलब जितने भी ऑडियंस होते हैं जितने भी वो बिल्कुल झूम जाते हैं और बहुत उन्हें मज़ा आता है और धमाका मुझे करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। मैं स्टेज पर खड़ी हो जाती हूँ ऑलरेडी धमाका हो जाता है। जैसे आपने अभी देखा, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी लेट आई, एक्चुअली मैं स्टेयरकेस उतर रही थी वहाँ पे मेरा शूज टूट गया, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है यू नो, तो इसीलिए पायल मैं सही कह रही हूँ हाँ इसका शूज टूट गया था। हाँ देखिए तो पता नहीं कुछ ना कुछ टूटते रहता है कुछ ना कुछ होते रहता है, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट सॉरी। जो रेड्डी जी कहे वो हम जो भी अलाउड होता है वो हम पहन लेंगे। रिवीलिंग होगा मिस्टर रेड्डी। हाँ कृष्णा और कैश कश्मीरा के साथ अगर मैं परफॉर्म करती तो वो बात बहुत अलग होती है ना। हाँ नहीं स्पेशली मैंने बहुत ही अच्छे कॉस्ट्यूम बनाए हैं एकदम सौरोस्की के एकदम। आप तो देख रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इतना सौरोस्की पहनकर आई हूँ, तो परफॉर्मेंस जब होगा 31st नाइट को तो मैं क्या पहनूंगी। देखिए इस बात के लिए आप सबको दुबई आना होगा। राखी कुछ पहनना लेकिन कैश वो तो पहनना ही पड़ेगा, क्या करूं वरना मेरा बस चलता तो यू नो व्हाट। सलमान को देखने की मतलब आप क्या बात कर रहे हैं, सलमान शाहरुख सबको हम देख रहे हैं लेकिन अभी मैं किसके साथ हूं आप मुझे देखिए मैं किसके साथ हूं जिन्होंने इतनी मेहनत करके यू नो हर एक सिटी और अब्रॉड से लेके हर जगह कंट्री क्लब यू नो बनाया। आप देखिए कितनी मेहनत है। पता नहीं मैं जैसे रेड्डी सर स्पीच दे रहे थे सडनली मुझे एक ड्रीम आया, मैं एक सेकंड में मैं ड्रीम देख लेती हूँ। मुझे लगा कि मेरे भी इतने सारे क्लब्स हो तो उसमें मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी यू नो लाइक इसीलिए। आप समझ सकते हैं कौन से क्लब की बात कर रही हैं। जिस तरह से एक्सक्यूज में मैं कंट्री क्लब की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे और भी कितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स है आप उन्हें क्वेश्चन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। इस बार मैं इंडिया में परफॉर्म नहीं कर रही हूँ। इंडिया में मैं हर साल 31st मेरा बुक रहता है और इस बार मैं कंट्री क्लब की तरफ से दुबई जा रही हूँ और दुबई में मैं परफॉर्म करूँगी और ऐसे ऐसे नंबर्स पे परफॉर्म करूँगी, धमाका होने वाला है दुबई में। और मैं एकदम हॉट नंबर्स और इंडियन नंबर सारे नंबर्स पर मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। मैं इंडिया में तो हमेशा परफॉर्म करती हूँ लेकिन दुबई में जो मेरे फैंस हैं वो भी इंडियंस हैं, वो भी मतलब यहीं से गए हुए हैं, जिनको न्यू ईयर्स पे बिजी रहते तो यहाँ पे आने का मौका नहीं मिलता है। तो ये बात एक बहुत अच्छी है कंट्री क्लब की कि उनके वहाँ पे इतने मेंबर्स हैं 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो उनके सामने परफॉर्म करूँगी और बहुत ही मज़ा आने वाला है और उनका दिल खुश करके आऊँगी मैं। देखिए स्टाइल तो मेरा अपना ही होगा परफॉर्म करने का, बिकॉज जो स्टाइल मेरा है आई डोंट थिंक सो किसी और का है, बिकॉज लुक तो मुझे कॉपी करते हैं। बट मेरा यही कहना है कि रामलीला का जो प्रियंका का जो सॉन्ग है वो बहुत ही हॉट पैपी नंबर है और प्रियंका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो बहुत अच्छी इंसान है, तो मैं वो तो मेरी फेवरेट है प्रियंका का, देन दीपिका का, देन करीना तो मेरी डार्लिंग है, तो इन सबके आइटम सॉन्ग्स जो हैं इन सबके परफॉर्मेंस मैं करने वाली हूँ।
हाँ डेफिनेटली मेरे अपने और दूसरी सारी एक्ट्रेसों के, स्पेशली मैं प्रियंका का जो इंग्लिश वाला नंबर है उस पर भी मैं बहुत ही हॉट पैंट और बिकनी टॉप जो है उसमें पहन के मैं करने वाली हूँ, बिकॉज इट्स वेरी नाइस सॉन्ग. नहीं नहीं, मुझे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा टिकट है तो आप बॉलीवुड कौन से स्टार को बुलाएंगे. मैंने कहा कि जी देखिए सारे स्टार तो बहुत बिजी हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगी किसी को, मतलब नाराज़ नहीं करना चाहती हूँ किसी भी स्टार को. तो मैंने कहा बुलाना चाहूँगी मोदी जी को, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो माई फेवरेट. देखिए मैं डेफिनेटली मैं नहीं कहूँगी. मैं इस बार का बहुत, जैसे 31st का हमारे डबल तिबल चार्जेस मिलते हैं, तो कॉस्ट्यूम पे काफ़ी ध्यान दिया है हमने, और स्पेशली दुबई जा रही, तो दुबई में मैं ऐसा क्या स्पेशल करूँ, ऐसे कौन से झंडे गाड़ के आऊँ जो दुबई की जनता मुझे याद रखेगी. तो मैंने बहुत ही अच्छे सौरस के डायमंड के कॉस्ट्यूम बनाए हैं, अच्छे हॉट कॉस्ट्यूम है, तो वो मैं पहन के परफॉर्म करूँगी तो दुबई के लोगों को लगेगा कि डेफिनेटली हीरो में जड़ी हुई डॉल, एकदम सौरस की डॉल. बिग बॉस देख रही हूँ और इस बार का बिग बॉस धमाकेदार है. कोई भी मेरे सीजन के अलावा मुझे कोई भी सीजन इतना अच्छा नहीं लगा ये सीजन को छोड़ के. ये सीजन माइंड ब्लोइंग था. लेकिन इस पे काफी आरोप लग रहे हैं सलमान के ऊपर, पार्शियलिटी करते हैं. वो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, सलमान मेरी जान है. अच्छा, आपने कभी देखा कि सलमान मेरा दोस्त है, सलमान मेरी जान है, सलमान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा. और किसी को हक नहीं है सलमान को कुछ बोलने का, बिकॉज सलमान के सामने सब पानी कम चाहिए. का ये नेचर ही रहा है कि अपने दोस्त को तो हमेशा फेवर तो करते ही है ना, मुझे भी फेवर करते हैं, मुझे भी हमेशा कभी कुछ होता है तो मुझे बोलते हैं, मेरी मदद करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो उनका नेचर है. बहुत अच्छे इंसान है सलमान, का नेचर है कि वो बहुत लोगों की हेल्प करते हैं. आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएंगे जब आप उनको देखेंगे कि उन्होंने ऑर्फन एज में इतना अपना कमाया हुआ पैसा देते हैं, ऑर्फन एज में विडो औरतें हैं या अनाथ बच्चे हैं वो इतनी मदद करते हैं. मेरे ख्याल से इसलिए गॉड भी उन्हें छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, वो इतने अच्छे. हर साल बिग बॉस में जाती हूँ, हर साल जाती हूँ. इस बार एक्चुअली मैं अभी कनाडा जा रही हूँ, तो मेरा कम से कम पूरे मेरे 6 महीने कम से कम मेरे शोज़ में ही रहते हैं अब्रॉड में. तो शोज़ में हूँ तो कभी मेरी डेट मिलती है, कभी उनकी नहीं डेट मिलती, बट सलमान जब मुझे बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ. एक बार तो मैं कनाडा में थी लास्ट ईयर, तभी मुझे बुलाया था तो मैं तुरंत फ्लाइट पकड़ के मैं तुरंत आ गई. सलमान करेंगे, खबरें आ रही हैं खुद भी कितनी बार तो शाहरुख कर लेंगे, क्यों नहीं, दोनों दोस्त हैं. आप चाहते हैं शाहरुख को देखना? हाँ, शाहरुख बिग बॉस करे सलमान करे एक ही बात है, दोनों दोस्त हैं, दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से. हम कौन होते हैं दोनों एक दूसरे के बीच में आग लगाने वाले? हम कोई नहीं होते. हम दोस्ती नहीं करवा पा रहे? नहीं, हम दोस्ती हो चुकी है, दुश्मन नहीं है, दोस्त है, दो बहुत पक्के दोस्त हैं.